हेलो व्यूअर्स, आपका मेरे चैनल टेस्टी वेज रेसिपी में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल हलवाई स्टाइल में ट्रेडिशनल मथुरा के पेड़े की रेसिपी। मथुरा जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहाँ के पेड़े भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो इस जन्माष्टमी के अवसर पर ज़रूर ट्राई कीजिए मथुरा के पेड़े, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं मथुरा के पेड़े बनाना। हम शुरुआत करेंगे खोया बनाने से। जी हाँ, हम ट्रेडिशनल वे में बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने 2 लीटर गाय का दूध लिया है, जिसे मैं 2 पैन में डिवाइड कर लूँगी। आप चाहें तो 2 लीटर एक ही पैन में यूज़ कर सकते हैं खोया बनाने के लिए, पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। आप चाहें यहाँ पे इंस्टेंट मावा या फिर बाजार का मावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर त्यौहार के अवसर पर हो सकता है कि बाजार के मावे में शायद कोई मिलावट हो या वो फ्रेश नहीं हो, इसीलिए घर पर ही मावा बनाएं, वो बेस्ट रहेगा। घर के मावे का जो स्वाद है और उससे बनी हुई मिठाइयों का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, इसीलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे मावा बनाने के लिए, और साथ ही जो मलाई साइड में चिपक रही है उसे स्क्रैप करते जाएंगे। अब हमारा जो दूध है वो आधा रह गया है। आप अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो गैस को फास्ट कर दीजिए हाई फ्लेम पर, और इसे चलाते रहिए कंटिन्यूसली। नहीं तो लो फ्लेम पर बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब देखिए हमारा जो दूध है वो 1/4 रह गया है खाली। अब बासुंदी बनाने के लिए परफेक्ट है। अब ये जो मिल्क है थोड़ा कूद कूद के बाहर निकल रहा है, तो इसीलिए अब हम गैस को थोड़ा कम कर देंगे और फिर इसे चलाएंगे। अब जो दूसरा पैन पे मैंने मावा बनने के लिए रखा था उसे भी मैं फर्स्ट पैन में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और इसे हम चलाते रहेंगे। देखिए हमारी जो रबड़ी है फिलहाल वो बनकर तैयार हो गई है, और थोड़ी देर चलाएंगे, 5 मिनट बस। अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है, यहाँ पर उसका थोड़ा उछलना कम हो गया है। अब मावा बन के बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल इसी तरह चलाते रहिए। अब ये पैन से अलग भी होने लग गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसी तरह हमें मावे को भूनना है गैस पर, तभी जो इसका स्वाद है वो बहुत बढ़िया आएगा मथुरा के पेड़े का। देखिए थोड़ा ज़्यादा ब्राउन होने लग गया है अभी, और अब इस स्टेज पर मैं ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच घी। इसे मिला लेंगे अच्छे से और फिर से भूनना स्टार्ट करेंगे। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है। यहाँ पे मैंने टोटल 4 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। अब हमारा मावा पूरा भुन चुका है, उसका कलर भी ब्राउन हो गया है, तो अब हम इस मिक्सर को थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसे ग्राइंडर में डाल के पाउडर बना लेंगे। इस पाउडर को मैं डाल रही हूँ 1 प्लेट में, और फिर इसमें स्वाद के लिए डालेंगे इलायची पाउडर 1 चम्मच और 1 कप बूरा या पिसी हुई चीनी। आप चाहे तो यहाँ पे टगार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे हाथों से, फिर मैं इसे फिर से पैन में ट्रांसफ़र करूँगी और 1/4 कप दूध ऐड करूँगी यहाँ पे, और इसे चला लेंगे अच्छे से। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है अब, बस 1 और मिनट और हमारा जो पेड़े का मिश्रण है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ये तैयार हो गया है, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आया है। थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसी तरीके से मैश करते हुए उसे नीड करेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं, उसका एकदम स्मूथ टेक्सचर लाने के लिए। हमें हाथ को ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने मावा में ऑलरेडी घी डाला हुआ था। अब हम एक पोर्शन लेंगे हमारे मिश्रण का, और उसमें से छोटे छोटे जो पीस है वो तोड़ लेंगे। देखिए ये जो बड़ा सा मिश्रण लिया है मैंने, उसमें से छोटी छोटी जो लोई है उसे तोड़कर रख रही हूँ, बिल्कुल पूरी बनाते हैं उसी तरह। मथुरा के जो पेड़े हैं उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, आप चाहे तो इसे गोला कर दीजिए। मैं थोड़ा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के हिसाब से इसे दे रही हूँ, और फिर हम इसे कोट करेंगे बूरे से या पिसी हुई चीनी से। अच्छे से कोट कर लीजिए, और हमारा जो मथुरा का पेड़ा है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, और मुंह में डालते ही बिल्कुल घुल जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग।